हेलो गाइस, वेलकम बैक टू म्यूटेट एजुकेशन। पैंडमिक होने की वजह से लास्ट 2 ईयर से सभी बच्चों के एग्ज़ाम थे, क्लासेस थे, सभी ऑनलाइन चल रहे थे और ओलंपियाड एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कंडक्ट कराए जा रहे थे। अब जबकि स्कूल खुल चुके हैं तो सबके मन में सवाल होगा कि अब ओलंपियाड एग्ज़ाम ऑनलाइन कराए जाएंगे या ऑफलाइन। तो आज हम वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि स्कूल खुलने के बाद ओलंपियाड एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे या आप स्कूल के थ्रू ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जबकि सभी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो मन में एक सवाल आता है कि ओलंपियाड एग्ज़ाम अब हम ऑनलाइन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो अब ऐसा हो जाएगा कि ओलंपियाड एग्ज़ाम दोनों ही मोड में हुआ करेंगे। अगर आपका स्कूल ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर है तो आप स्कूल के थ्रू भी ओलंपियाड एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आप स्कूल के थ्रू ओलंपियाड एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करा के कोई भी ओलंपियाड एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले ओलंपियाड एग्ज़ाम पैंडमिक से पहले स्कूल के थ्रू ही हुआ करते थे। रिटर्न एग्ज़ाम आपको एक OMR शीट दी जाती थी, उसको आपको फिल करना होता था उसमें अपने आंसर्स। लेकिन अब पैंडमिक होने की वजह से सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन अब जब स्कूल खुल गए हैं तो ओलंपियाड एग्ज़ाम, सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम जो हैं वो दोनों ही मोड में कराए जाएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आपको चूज़ करना है कि आपको स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम देना है या फिर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दोनों ही तरीके से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं।